अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। साथियों, जैसा कि मालूम है आपको कि हल्द्वानी में अब स्टे हो चुका है। हल्द्वानी की जो गफूर बस्ती, इंदिरा बस्ती को तोड़ने की बात हो रही थी, अब उस पर स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना वहां पर कुछ टूटेगा ना कोई नया निर्माण होगा, तो अभी पूरी तरीके से स्टे है। 7 फरवरी की डेट मिली है और जितने लोग सड़कों पर बैठे थे आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 2-3 बातें बार बार रिपीट की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कि मानवता के बारे में सोचा जाए, नेक्स्ट डेट पर आप आएंगे तो इसका हल निकाल के लाएंगे। क्योंकि अगर रेलवे की जमीन है तो जाहिर सी बात है सारे दस्तावेज भी देखे जाने चाहिए, उनके भी पेपर देखे जाने चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट में ये बात कही जा रही है कि 1100 के करीब जो है वो मैटर जो पेंडिंग है, फिर सारी लीज जो है पट्टे की जो जमीन जो लीज पे मिली है तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाने चाहिए, तो ये सारे तमाम चीजें हैं। उसके बाद कानून को देखते हुए और मानवता को देखते हुए इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर किसी के घर को रौंदा नहीं जा सकता। और बार बार उनसे यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि इसके बारे में रेलवे सोचे और अगली बार जब आएंगे तो इसका सोल्यूशन निकाले, हो कि प्लान हो, रिहैबिलिटेशन की कोई तैयारी हो, कोई प्लान हो। अगर आप उनको उनके घर से उनको बेघर ही करना चाहते हैं तो आप कम से कम कोई प्लान लेकर के आइए उनके लिए, क्योंकि 50-50 सालों से, 60-70 सालों से जो लोग रह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजादी से पहले से रह रहे हैं और उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जबकि रेल बार बार झूठ बोल रहा है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनके घर के ऑर्डर आए एक्स पार्टी करके हाईकोर्ट में, जिस तरीके से एक्स पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके का कोई मैटर चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, एक्स पार्टी ऑर्डर करके ये ऑर्डर लाया गया हाईकोर्ट से, उत्तराखंड हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की थी, आप आगे भी इसी तरीके से दुआएं करते रहिए। फिलहाल तो हल्द्वानी की गफूर बस्ती नहीं टूट रही है, वहां के जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर वहां के विधायक सुमित जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बार बार इस तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान सिर्फ इंक्रोच करता है, और सुप्रीम कोर्ट से जिनको भरोसा उठ गया था दोबारा से देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही हमें रिलीफ मिला है। फिलहाल तौर पर रिलीफ है, स्टे है, 7 फरवरी की डेट है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी, क्योंकि अगर रेलवे की जमीन भी अगर ये आगे अगर होती है, हमने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज देखे हैं, रेलवे की जमीन भी है, तो कुछ रिहैबिलिटेशन किए बिना किसी को वहां से नहीं उखाड़ा जा सकता। तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट मानवता के आधार पर फैसले करेगी, और तमाम आगे की जानकारी फिर मैं देती रहूंगी। इंशाल्लाह जल्द हल्द्वानी विजिट करूंगी, क्योंकि पहले लीगल जो फॉर्मेलिटीज थी वो करना बेहद जरूरी था, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोग कर पाए और हमने किया है, और आगे इस तरीके से जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया।